तो हाय गाइस, वेलकम एक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज एक नया जॉब अपडेट आया हुआ है जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट गाइस, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देख सकते हैं आप, 1 लाख के बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं। आपका सपोर्ट हमें जल्दी 1 लाख तक पहुंचा देगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपना यूट्यूब एनालिटिक देखता हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वीडियोस को देख तो लेते हैं बट वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट वगैरह है, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बट गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बता देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। और बट डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रिकल, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, सीएस से हैं, तो आप जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अलग अदर ब्रांच वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाएं, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट अभी 2-3 वीडियोस में और भी आज लाने वाला हूँ, काफी रिक्रूटमेंट निकली है, तो हो सकता है इसमें नहीं तो अगले में आपका जरूर उसमें कुछ ना कुछ होगा। बट गाइस, एक लाइक करके जरूर जाना क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं ये सब आपके लिए लाने के लिए। आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द और भी अच्छे से अच्छे अपडेट आप तक लाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, BCIL सॉरी ECIL जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो, ये हमारा एक एटॉमिक पावर प्लांट का मेन वो है, ठीक है। और इसका जो रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट ये निकली हुई है। 5 तारीख से इसका स्टार्टिंग डेट है और लास्ट है 18 अगस्त को। इसमें इसका नोटिफिकेशन, आप डिटेल नोटिफिकेशन क्लिक कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है क्लिक कर सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ पे आपको इस पेज पे मिल जाएगा। मैं इसका लिंक जरूर आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट की। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट है, ये जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पे पोस्ट थोड़ी कम कम है बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर देखें। तो यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है पोस्ट, जो कैटेगरी 1 में जो पोस्ट है, 2 पोस्ट है जिसमें प्रोजेक्ट लोकेशन मुंबई रहेगा आपका, ठीक है। 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, 30 ईयर से अंदर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 23,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसरी ऑफिसर ऑफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी 2 में टोटल 3 पोस्ट हैं, ठीक है। 3 पोस्ट में से आपका जो लोकेशन है मुंबई, तारापुर या कायगा रहने वाला है। इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है और सैलरी 23,000 आपको मिलेगा पर मंथ। आगे बात किया जाए टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी 3 पे, तो यहाँ भी 3 पोस्ट है जिसमें से एक ओबीसी वालों के लिए है, हैदराबाद और लखनऊ रहने का है लोकेशन, ठीक है। एज लिमिट इसमें भी सेम है। आगे बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट ए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये भी है कैटेगरी 1 है, 6 पोस्ट है जिसमें 3 जनरल के लिए है, 2 ओबीसी, 1 एससी के लिए है। मुंबई में ये आपका लोकेशन रहेगा। 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है इस पोस्ट के लिए। 19,864 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसी में कैटेगरी 2 पे जो है 2 पोस्ट है तारापुर और कायगा के लिए, यहाँ भी सेम है। और एक और पोस्ट है यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एक ही पोस्ट है जनरल वालों के लिए, गुरीबितानुर जगह है, गौरी बिदानुर, ठीक है। तो 25 साल इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है, 19,864 रुपये आपको मिलेगा। लास्ट पोस्ट जो है जूनियर आर्टिशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 1, 1 इस तरीके से अलग अलग लोकेशन पे पोस्ट है। 25 साल इसकी भी मैक्सिमम एज लिमिट है और 18,070 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। अब बात कर लिया जाता है यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो टेक्निकल ऑफिसर जो है कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, विद मिनिमम 60% ज़्यादा मार्क्स है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विद 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सच लिनक्स, नेटवर्किंग एंड विंडो स्किल। कैटेगरी 2 में जो टेक्निकल पोस्ट है इसमें अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से, 60% ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ भी 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, लिनक्स, विंडो, नेटवर्किंग एंड इस सब में। आगे देखिए टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी 3 जो है उस पर फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री है अगर आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से 60% ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ भी विथ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक VSAT, रेडियो फ्रिक्वेंसी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, ये सब में। आगे बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट ए ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे है कैटेगरी 1 में, इसमें जो डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, CS से, IT से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
60% ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, एक साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर लिनक्स एंड इसमें। इसी में साइंटिफिक असिस्टेंट में कैटेगरी 2 में है, यहाँ भी आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग से कर रखा है, 60% ज़्यादा मार्क्स है, एक साल का एक्सपीरियंस है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है ये सब सारे जो इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वाले जो लिखा हुआ है, 60% ज़्यादा मार्क है आपका, या फिर बीएससी कर रखा है आपने मैथमेटिक्स फिजिक्स से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। बट कैंडिडेट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और हिंदी, ये तो कोई भी कर लेगा। जूनियर असिस्टेंट जूनियर आर्टिशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यहाँ पे अगर आपने ITI कर रखा है 2 साल का इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर और इंस्ट्रूमेंट और रेडियो एंड टीवी पे और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छे सिलेक्शन का प्रोसेस है, यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, आपके जो मार्क्स हैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका होगा। तो जो स्टार्टिंग के जो 3 पोस्ट थे उनके लिए कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क दैट दे हैव ऑब्टेन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द रेशियो ऑफ 1:5। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर वर्चुअल इंटरव्यू एंड सेलेक्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस और जो आपके मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी के जो पोस्ट है 4, 5, 6, 7 नंबर का जो पोस्ट है, यहाँ भी आपका मार्क्स 1:5 में देखा जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू shortlisted candidate should be selected based on relevant experience and successful document verification। यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं होगा, 4, 5, 6, 7 की जो पोस्ट है यहाँ पे डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पे आपका यहाँ पे होगा, मार्क्स और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग मिलेगी और उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं रखा गया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, रिजर्वेशन जैसा है वो यहाँ पे मिलने ही वाला है, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड है वो जरूर अप्लाई कर लेना, क्या जा रहा है यार फ्री में अप्लाई करना, गलती से लग गया कहीं तो किस्मत ही खुल गई। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे डेट तो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लिखा गया है, बट समझ लो 1-2 साल तो कम से कम 2 साल तो समझ ही लो, ठीक है। स्टार्टिंग 5 तारीख से हो चुका है, 5 अगस्त से 18 अगस्त को लास्ट डेट है, ठीक है। ओके, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था इससे रिक्वायरमेंट। आई थिंक आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कहीं डाउट वगैरह आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM भी कर सकते हो किसी कहीं भी अगर आपको दिक्कत आता है तो। जल्दी से जाकर एक बार इंस्टाग्राम को चेकआउट जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।